जी सर। सेक्शन में तो क्योंकि शुरू में बहुत से लोग ऐड नहीं हुए थे, मैं तो फिर से पावर बूटिंग सिस्टम समझा दूं। यस सर, बताओ। यस सर, समझा दीजिए। तो आप लोग फिर से समझ लो एक बार, पावर बूटिंग सिस्टम एंड्रॉइड का कैसे बूट करता है, और अपने ग्रुप में आप इंकरेज करो लोगों को ये सेक्शन ऐड करने के लिए। जितने भी आप जो लोग आपके दोस्त हैं जो ग्रुप में, उनको इंकरेज करो कि भाई आप लोगों का टाइम निर्धारित कर दे, बताइए। yes, सर कर दीजिए, कर दीजिए सर, एनी टाइम। फिरोज सर से बात करके फिरोज सर आप लोगों को बता देंगे किस टाइम पे है, तो कल आपको एक टाइम निर्धारित कर देंगे। तो डेली अभी फिलहाल उस टाइम पे आपका सेक्शन ले लिया जाएगा आपके बैचेस, ठीक है। yes, सर सबको बताएंगे सर। मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी बहुत आपके बैच में बहुत सारे लोग हैं, उसमें अभी आपको देखा जाए तो 10 लोग भी है, 10 लोग भी नहीं है। बट आप लोग सब एक दूसरे को ये रेडी करिए, सब जनों को लाए यहाँ पे आने के लिए। आप ही लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं। 51 लोग। हाँ आप लोग, आप लोगों को फायदा मिला कि नहीं मिला इससे? जी सर, बहुत बहुत फायदा मिला सर। आगे भी बहुत फायदा मिलने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। कितना हो सकता है ले लो फायदे, और उसके आगे फिर रात रहेंगे हम लोग भी अपडेट होते हैं, हम लोग आप लोग सीखने का मौका मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है हम लोग परफेक्ट है, हम लोग सीख रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं? डेली सीखते हैं सर, डेली अपग्रेड होना चाहिए। आप अभी देखिए सर को देख रहे होंगे आप फोटो के अंदर, वीडियो के अंदर, सर अभी भी कुछ काम कर रहे हैं। जितना आपको एंटर करना है अपने लेवल पे, यहाँ पर हमने एक क्वालकॉम का सीपीयू लगा हुआ है, हमने चार्जर लगा कर ये चीज देखी, दूसरों से पूछ के कि सर कहाँ कहाँ जाता है, क्यों ना खुद खरीद किया। तो हमने क्या किया, हमने चार्जर लगाया और देखा कि कहाँ कहाँ वोल्टेज जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं। भाई मुझे कितना टाइम लगा होगा मैक्सिमम बताओ, 25 मिनट लगते हैं। मैंने हर एक सेक्शन पे, हर एक कंपोनेंट पे मैंने वोल्टेज चेक किए, मुझे जो वोल्टेज जो मिल रहा है मैं इसको आगे अपडेट करूंगा कि कहाँ 1.8 वोल्टेज मिल रहा है, कहाँ पर कितना वोल्टेज मिल रहा है, कहाँ पर 5 वोल्टेज मिल रहा है, तो ये मैं आपको बिल्कुल अपडेट करूंगा। अब क्या किया, मैंने पावर आईसी को निकाला और मैंने देखा जब चार्जिंग आईसी और दोनों पीएमआई, तो मैंने देखा कि चार्जर लगाने पर क्या वहां पर वो वोल्टेज जो जा रहा था वो वापस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये क्यों चेक करने के लिए। तो जैसे सपोज प्रशांत का एक क्वेश्चन था कि सर मैं पावर आईसी का आउटपुट कैसे चेक करूँ, तो अभी अगर मुझे पता चलेगा कि फलाने फलाने सेक्शन पे चार्जर लगाने से वोल्टेज जाते हैं पावर पीएमआई, तो मैं आगे पीए डैश सेक्शन में भी चार्जर लगाने से वहां पर भी वोल्टेज चेक कर सकता हूँ, नहीं मिलेंगे तो फिर मैं पावर में भी काम कर सकता हूँ। जैसे आरएनडी आपको खुद करनी भी पड़ सकती है, करिए तो आपके लिए बेस्ट है, बट समय कोई नहीं देना चाहता है, सबको डायरेक्ट चाहिए बस। 1.1 को मैं ऐसे कहीं और से जम्पर दे दूं, तो मैंने उसको जम्पर दिया बट वो काम नहीं करा। फिर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि क्या ये वोल्टेज मतलब सिम लगाने के बाद में मिला है या नहीं मिला, तो मैंने फिर सेम बोर्ड लिया, वो बिल्कुल ओके था, मैंने उसमें सिम निकाला और दूसरा उसे ऑन किया, ऑन करने के बाद मैंने उसको चेक किया तो उस पर भी 1.1 वोल्टेज नहीं मिल रहा था, 1.8 वोल्टेज मिल रहा था। फिर मैंने उसको सिम लगाया, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ 2965 का बता रहा हूँ, ठीक। हर एक का अलग अलग वोल्टेज होता है, जैसे हर एक का अलग अलग आईसी होता है ना, जैसे WTR अलग अलग होता है तो अलग अलग वोल्टेज भी हो सकता है मेरे हिसाब से। तो 2965 का बात कर रहा हूँ, इसमें 1.8 और 1.0 या 1.2 ऐसा वोल्टेज आता है, 1.8 तब आता है जब हमारा मोबाइल फोन सिग्नल मतलब ओके हो, मतलब सिम भी नहीं लगा हो तो भी मेरा मोबाइल फोन ये 1.8 वोल्टेज आ जाएगा। लेकिन 1.0 वोल्टेज जब सिम लगेगा तो ही आएगा, या कॉलिंग के टाइम जब कॉल कर रहे हो, एक्टिव कर रहे हो, तभी भी वो वोल्टेज आ सकता है। एक्टिव कंडीशन में, एक्टिव कंडीशन या सिम लगी हुई हो तभी भी आ सकता है। जैसे हम माइक में देखते हैं ना कॉलिंग, टेक्नीशियन ने उसको खोल के बहुत खराब कर दिया था, तो जो चार्जिंग सीसी है उस कनेक्टर वीबैक की जो सप्लाई है उसके आगे ना एक छोटी सी आईसी लगी थी, तो वो बहुत हीट हो रही थी, ठीक है।
तो वो निकाल के मैंने दूसरे बोर्ड के लगा दी तो भी मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था। तो मैंने सब चेक किया उसके बाद है ना मैंने सीसी चेंज किया। तो सीसी चेंज करने के बाद है ना सर मोबाइल है ना जैसे चार्जिंग का चार्जिंग से रिलेटेड और फिर उसके बी बैट में उसका 3.7 नहीं आ रहे थे तो उसको हमने कहाँ से बाईपास किया और 100% वर्क किया है। ठीक है तो ऐसी चीजें देख सकते हो बिना आईसीयू डायरेक्ट आईसीयू पे कभी नहीं जा जाता है। जैसा कि प्रशांत ने बोला कि पहले हमें ट्रेसिंग करना होता है तो शेयर करता हूँ ग्रुप पे। ठीक है उस आईसीयू पे रीडिंग चेक करो कि वो जो चार पिन है उस पे और कौन से पिन पे रीडिंग आ रही है और कहाँ पे वोल्टेजेस आ रहे हैं और वो देखो किस कौन सा पिन सेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो 2 घंटे काफी हो चुके हैं तो उम्मीद सबके आंसर मिल गए होंगे सबको। जी सर तो फिर अपडेट करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के बारे में। सर क्या बोलते हैं सर आवाज नहीं आ रहा सर आपका म्यूट है सर सर आपका म्यूट है सर म्यूट है सर आपका बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा है आप लोग ने बहुत अच्छा क्या किया है। अब प्रशांत तुम्हारा F7 का डायग्राम डला हुआ है कोई भी निकल आएगा उसका बहुत अच्छा सलूशन भी और कल आपको मेरे क्लोज सर बताए देंगे कि कब कितने बजे रात में आपको आना है। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोग आए और जितना हो सकता है हम लोग तो हेल्प करने के लिए तैयार है। अब आप लोग लेने के लिए तैयार है ये पता नहीं। ठीक है ग्रुप में आप लोग खुद भी आप सभी लोग अपने पर्सनल भी आप अपना कमेंट कीजिए कि भाई रात में सब लोग आ रहे हैं ऑनलाइन आप भी आइए नहीं भी प्रॉब्लम में तो सुनिए यहाँ पर क्या चीज हो रही है सीख सकते हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज सीख कर ही गए होंगे। बिल्कुल सर जी सर बिल्कुल ठीक है तो अभी आज के लिए रेस्ट करते हैं और कल फिर सर आपको सुबह बता देंगे जिस तरह से आपका रात में कब होगा क्या नहीं होगा। All of you, student, good night. Hello, good thank night. You very much for joining us. And good night. Thank you. Good night. Take care. Good night.